नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से जीती, वहीं एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रहे थे और एग्जिट पोल के बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है वो बुरी तरह से हार गई। और उनकी जो हार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो हार का ठीकरा है वो ईवीएम पर या चुनाव में गड़बड़ियों पर कहीं ना कहीं अपने हार का जो ठीक रहा है उसको फोड़ रही है। और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की कि 26 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं या बैटरियों जो है ईवीएम की बैटरी है उसमें दिक्कत हुई है या ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। इस पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया है और चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। सतीश मेहरा जी मेरे साथ पिछले चुनाव के जो भी जितना भी चुनाव प्रचार था उस दौरान मेरे साथ चुनावी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। चुनाव पर उनकी चर्चा बहुत स्टीक रही है। आज उनसे चर्चा करते हैं कि ईवीएम जो है उस पर जो चुनाव आयोग का फैसला है वो कितना सही और कितना गलत है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे बहुमत से जीती और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि 26 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम में दिक्कत आई है। तो उस पर अब चुनाव आयोग का फैसला आ गया है जिसमें उन्होंने जो उनके राष्ट्रीय प्रधान है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको एक फैसला जो है वो सौंप दिया है। तो मैं चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो जो फैसला है चुनाव आयोग का वो फैसला क्या है। देखिए, चुनाव आयोग का फैसला हम उसको राजेंद्र जी नहीं कह सकते। चुनाव आयोग जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी शिकायत चुनाव आयोग के शिकायत का जवाब कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी थी कि 26 जो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में उन 26 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं कहीं चुनाव की मतगणना में चुनाव में कहीं कहीं धांधली हुई है। उन्होंने एग्जिट वो उसके क्या नाम है ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे और जो एक दर्जन से भी अधिक मुझे लगता है शिकायतें उन्होंने अपने जो चुनाव आयोग को भेजी थी, एक दर्जन से भी अधिक शिकायतें उसमें इंक्लूड की गई थी जिसमें ईवीएम की बैटरी का मामला भी मेन मुख्य मुद्दा मामला वो था कि कई ईवीएम की बैटरियों में 90% बैटरी चार्जिंग मिली और कईयों में 60-70% तक मिली। उसको एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया था जी। और कांग्रेस पार्टी की आपने बताया कि जैसे एक करारी हार कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव में मिली है, 37 सीट वो जीत पाए हैं। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट। करारी हार मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो एग्जिट पोल है कहीं ना कहीं एक बड़े बहुमत से कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे। उस हार के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो कंप्लेंट दी थी उस कंप्लेंट का उस शिकायत का इलेक्शन कमीशन ने कल जवाब दे दिया है और जवाब को छोटा मोटा जवाब नहीं दिया। उन्होंने 1642 पेज का जवाब कांग्रेस पार्टी को के प्रधान है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके नाम से चुनाव आयोग ने दे दिया है। और अब देखने वाली बात यह कि कांग्रेस पार्टी उस जवाब के बाद क्या करती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पहले जो 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह था हरियाणा के मुख्यमंत्री का और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट जो याचिका जो दायर करना चाहिए थी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं की थी और एक एक जबरदस्त आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कांग्रेस पार्टी को लगाई थी कि आप चुनी हुई सरकार को आप शपथ लेने से रोक रहे हैं। इस तरह की आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी जी। मेरा साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे पर कहीं ना कहीं अगर बात करें जनादेश वो उनके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है मैं इसको नियति कहूं जनादेश कहूं या चुनाव आयोग का जो भी है उनका जवाब आया उसको कहूं, अब उसके बाद जो है इसके चुनाव आयोग के फैसले को इसके जवाब को कांग्रेस पार्टी मानेगी या कोई और कदम भी उठा सकती है। देखिए, चुनाव आयोग ने जो जवाब देना था वो दे दिया जी और कांग्रेस पार्टी के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला है। वो जाएगी ना जाएगी तो उनके पार्टी के लीडर बताएंगे लेकिन पत्रकारों ने यह भी पूछा है कि कांग्रेस पार्टी के लीडरों से नेताओं से जो विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
इस जो जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया, उन्होंने ये कहा कि ये हमारी पार्टी देखेगी। पार्टी कौन है? पार्टी हरियाणा में मुझे लगता है पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा बड़ी पार्टी कोई है नहीं, और हरियाणा में ना कोई संगठन है कांग्रेस पार्टी के नाम से। तो मुझे लगता है एक टाल मटोल सी का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है, और जाएंगे ना जाएंगे वो तो हालांकि अल्टीमेटली उन्होंने तय करना है, लेकिन अभी विश्वास में कमी नजर आई कहीं उनके। आप विश्वास में, डेफिनेटली विश्वास में कमी नजर आई है, क्योंकि जो जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने जवाब में जो उनको फटकारा है और फटकारा ही नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के ये जो आरोप है बिल्कुल तथ्यहीन है और इनका कोई आधार नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि सार्वजनिक अशांति और अराजकता पैदा होती है इस तरह के अगर कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट, इस तरह के निराधार जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाती है कांग्रेस पार्टी, तो इस तरह के आरोपों से एक अराजकता की स्थिति पैदा होती है इस प्रकार के। और ये भी कहा है कि इस प्रकार के आरोप कहीं आगे लगाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल तथ्यहीन आरोप है, ये निराधार है। इस तरह की बात कहकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने जवाब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जो है फटकार लगाई है। जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि बात करेंगे, मैं फिर से जनादेश की बात करता हूँ, क्योंकि जो जीत होती है वो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा दी गई जीत होती है, जनादेश उसको कहा जाता है। लोगों का एक जनसमूह जो होता है उसकी तरफ से अगर एक पार्टी को वोट डाला जाता है तो कहीं ना कहीं तो पार्टी जीतती है। तो उस जनादेश पर सवाल उठाना, क्या ये कांग्रेस का सही रवैया है? क्योंकि एक बार नहीं हुआ, मुझे लगता है कि हर चुनाव के बाद जब इनकी हार होती है तो हर बार यही बात, कभी ईवीएम की गड़बड़ी, कभी बैटरी की दिक्कत। तो क्या जनादेश का जो फैसला है उस पर सवाल उठाना ये सही रवैया है? देखिए, जब जब भी कांग्रेस, चाहे स्टेट के जो विधानसभा के चुनाव हो, जब जब भी कांग्रेस हारी है और हारने के बावजूद वो जो इलेक्शन कमीशन को अपनी कंप्लेंट देती है, शिकायत दर्ज करवाती है, लेकिन उस शिकायत में मुझे लगता है अभी तक जो जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता आया है उसके बाद मुझे लगता है कोई ज़्यादा वो एक आत्मविश्वास कम हुआ है कांग्रेस पार्टी का, और ज़्यादा मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जा पाई। इसीलिए मुझे लगता है अभी भी इसी लगता है कि कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट जाने का या कोर्ट जाने का कोई, मुझे लगता है कोई उनका एक जो मनोबल है वो डाउन हुआ है। इससे पहले भी जो शपथ ग्रहण समारोह था, मैंने बात भी की आपसे, आपको बताया 17 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह था उससे पहले कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट जो याचिका दायर की थी, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको स्वीकार नहीं किया जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी जो तथ्य जो कांग्रेस पार्टी के पास जो अब आए हैं, उन तथ्यों का में मुझे लगता है कोई आधार उनका बनेगा नहीं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी स्वयं ही सोचेगी कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट जाने का कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है जी। तो इस प्रकार से कांग्रेस जो कम वोटों पे जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस हारी थी, उन मैक्सिमम उन जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी। उनमें मुझे लगता है कई जो नारनौल है, करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सीट है, और इंद्री है, बड़खल है, फरीदाबाद की एनआईटी सीट है, नलवा है, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़ और बरवाला, उचाना की बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी हारे थे, बल्लभगढ़ है और घरोंडा है, कोसली और बादशाहपुर, ये कई सीटें थे। इनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारी थी। उन्होंने कांग्रेस का ये भी कहीं कहीं एक शिकायत थी कि बीच में जो काउंटिंग के जो जो राउंड्स रहते हैं, उनमें कहीं कहीं डिले की गई, उन डिले के दौरान कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ी देखने को मिली है, इस प्रकार की शिकायत थी। उनमें जो 13 शिकायतें हमने बताई हैं, 13 शिकायतों में ये शिकायत भी थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई कांग्रेस के पास कोई आधार होगा। अब तो बस यही है कि कह सकते हैं कि किसानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है जी। तो ये कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है मुझे लगता कहने के लिए जी। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है
अगर वो कहीं हारती है, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो या वो लोकसभा के चुनाव, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पहले भी चुनाव आयोग जाती रही है और अलग अलग तरह के आरोप जो है ना लगाती रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको यही जवाब देते, चुनाव आयोग भी कांग्रेस पार्टी को इसी प्रकार के जो कल जवाब आया इसी प्रकार के जवाब देता रहा है। और कांग्रेस चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक कांग्रेस पार्टी को एक जो शिकायत थी उसके जवाब में यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधारे, और बजाय चुनाव आयोग को आरोपित करने की बजाय कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधारे तभी बात बन सकती है, अदरवाइज ऐसे निराधार और अनाप शनाप आरोप लगाने से कोई फायदा होगा नहीं। जी, आप कहीं ना कहीं मतलब ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी हार का ठीकरा हर बार ईवीएम पर या चुनाव में गड़बड़ियों पर कहीं ना कहीं डाल देती है, और चुनाव जो है उसमें अपनी हार को न मानते हुए इन गलतियों इन चीजों को, चुनाव आयोग पहले भी बिल्कुल इनके जो कांग्रेस पार्टी जो शिकायत करती रही उनको तथ्यहीन और निराधार एक बताता रहा है, जैसे चुनाव के दौरान जो चुनाव कैंपेन था उस टाइम उन्होंने एक शिकायत की थी जो चुनाव की तारीख को एक्सटेंड किया गया था उसके बारे में भी शिकायत उठाई थी कांग्रेस पार्टी ने। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास जाती रही, लेकिन उनको जवाब मिला है, उसके बाद मुझे लगता है कोर्ट जाने का उनका मनोबल नहीं जुटा पाई हो, चित्त नहीं जुटा पाई हो, अब भी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी शायद को नहीं जा। जी, चुनाव आयोग ने अपना जो जवाब है वो कांग्रेस प्रधान को दे दिया है, और उसमें उसने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर लगे जो आरोप हैं उनको निराधार और तथ्यहीन बताया, और कांग्रेस को अपने आप को सुधारने के लिए भी कहा। अब आगे कांग्रेस क्या करती है, क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या कांग्रेस पार्टी आगे कोई कदम उठाती है, ये सब चीजें जानने के लिए देखते रहे अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।